छोड़ी गड़ोई ना चोरी भाइयो बैठो। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपके अपने चैनल हिमाचल रॉक में आप सबका स्वागत है। तो अभी बज गए हैं सुबह के 9 और मैं अभी आई हूँ कूड़ा फेंक के। तो यहाँ पे जो कूड़ादान बना है, कूड़े का गड्ढा बना है, वो गांव के अगली साइड को है, मतलब आउटसाइड में है गांव के। तो वहाँ ले जाना पड़ता है हमारे को कूड़ा जो घर में होता है। तो कुछ तो हम घर में ही जला देते हैं, जो थोड़ा बहुत होता है, तो कुछ जब थोड़ा ज़्यादा हो जाता है तो फिर हम आगे गड्ढे में ले जाते हैं। तो यहाँ से काफ़ी दूर है हमारे घर से आगे को, तो इसलिए हम डेली नहीं ले जाते। फिर तो फिर जो डस्टबिन में होता है रखा हुआ कूड़ा, जो फिर मैं उसको इसमें इकट्ठा करती रहती हूँ, और जब ये थोड़ा आधा हो जाता है तो हफ्ते में एक बार फिर आगे को ले जाती हूँ। तो अभी मैं ले रही थी, अभी आई हूँ आगे से। तो मौसम आज अभी तक तो धूप लगी थी और अब बादल आ गए हैं, और अब अभी तक बहुत धूप लगी थी, बहुत गर्मी थी। अभी थोड़ा ठंडा सा फील हो रहा है यहाँ पे, तो अभी छाया हो गई यहाँ पे, आप देख सकते हो। वो अभी क्या है कि घर में अभी सारे काम पड़े हैं करने को। तो अभी हमने झाड़ू झूड़ तो लगा दिया है घर में, और ब्रेकफास्ट भी कर लिया है। तो अभी कपड़े हैं धोने को, तो कपड़े तो डेली होते हैं धोने के लिए। आजकल क्या है कि आजकल सूखते भी नहीं है, तो बहुत प्रॉब्लम जैसी आ जाती है। तो अब शुरू करती हूँ। यहाँ पे दाल छानती हूँ, तो इसमें थोड़े थोड़े छोटे छोटे काम कर होते हैं, क्योंकि जो ये हमारी जो अपनी हमने बीजी होती है ना खेतों में दाल है, वो दाल है। तो वैसे तो हमने अच्छी तरह से छान लिया होता है इनको, पर फिर भी इसमें हो जाता है कई बार। तो जब हम इनको बनाते हैं तो उस टाइम थोड़ी थोड़ी छान लेते हैं, तो थोड़ी सी इसमें बज गए हैं दिन के 12, और आज गर्मी बहुत ज़्यादा है। धूप तो नहीं है पर बादल है, और गर्मी बहुत ही ज़्यादा है। अब बरसात के मौसम में ऐसा होता है, अगर धूप नहीं भी लगी होगी तब भी गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। तो अभी मैं सिल रही हूँ सूट, और यहाँ पे देखो ये मैं सलवार सिल रही हूँ, और इसमें बेल्ट लगा रही हूँ। तो अब मेरा सूट कंप्लीट हो गया है, कंप्लीट तो नहीं हुआ पर तरपाई रही है करने को, बाकी सिल दिया, सलवार कंप्लीट हो गई है, और कमीज में इसमें तरपाई रही है करने को। तो इसमें तरपाई कर लेती हूँ मैं पहले, अभी तक इसमें प्रेस नहीं की है। तो कई बार ऐसा होता है मैं प्रेस में लास्ट में ही करती हूँ, बिना ही प्रेस के पूरा सूट सिल देती हूँ, और उसके बाद फिर लास्ट में प्रेस करती हूँ। तो इसको मैं इस तरह से ही कर रही हूँ अभी तरपाई करने के लिए, क्योंकि इसमें मैंने प्रेस की नहीं है, कि वो लाइट नहीं थी अभी तक। तो अब मैं इसको ऐसे ही करती हूँ।
ऐसा हो गया है तो इस तरह से फ्रेंड्स अभी बज गए हैं दिन के 2 बजने वाले अभी दिन के, तो अभी तक हमारा लंच नहीं हुआ है क्योंकि मैं अभी सिल रही थी सूट और अब मेरा सूट भी कंप्लीट हो गया है और मैंने उससे पहले थोड़े कपड़े धोए थे तो बस कपड़े डाले ही थे सुखाने के लिए, उतने में बारिश शुरू हुई तो फिर यहाँ से वो उठाने पड़े। अभी फिर रुक गई थी बारिश, बस थोड़ी देर लगी, थोड़ी सी बारिश 5 मिनट में लगी बारिश, तो फिर रुक गई थी और अभी भी तो हल्की हल्की सी बूंदें फिर से आ रही है, अभी तो छोटी छोटी बूंदें आ रही है अभी भी, तो अभी कोटगढ़ साइड में हो रही है बारिश और कुल्लू साइड में भी हो रही है और यहाँ पे भी आजकल पता ही नहीं चलता मौसम का, 5 मिनट में बारिश होती है फिर उसके बाद धूप लग जाती है फिर 2 मिनट के बाद और बदल जाता है, फिर मौसम का आजकल पता ही नहीं चलता कि कैसा कैसा है। तो हम कर लेते हैं पहले लंच, उसके बाद मिलते हैं। तो फ्रेंड्स अभी हम लंच करके फ्री हुए हैं, तो आजकल हमारा लंच आजकल क्या हमारा डेली होता है वैसे 1 बजे के बाद ही होता है, कभी 1 बजे, 1 बजे से पहले तो कभी हुआ ही नहीं, 1 बजे 2 बजे कई बार तो 2:30 भी बज जाते हैं। तो इसके पीछे का रीज़न ये है कि हम पहले इस घर का सारा काम कर लेते हैं उसके बाद ही फिर लंच करते हैं, क्योंकि जब लंच कर लेते हैं तो उसके बाद फिर सुस्ती पड़ जाती है और फिर मन ही नहीं करता किसी काम को करने का। तो आज हम इसलिए भी लेट हुए क्योंकि मैंने सूट सिला, सूट मैंने थोड़ा तो कल सिला था और थोड़ा आज सिला, आज मैंने कंप्लीट कर लिया है। तो जो भी काम होता है हम खाना खाने से पहले ही उसको निपटा लेते हैं और उसके बाद फिर खाना खा के फिर रेस्ट करते हैं, क्योंकि खाना खाने के बाद वैसे भी नींद जैसी आने लग जाती है, तो उसके बाद फिर रेस्ट करते हैं। और मौसम अभी बारिश वाला ही है, तो अभी थोड़ी देर पहले जब हम खाना खा रहे थे तभी बहुत ही बारिश हो रही थी बहुत ज़्यादा, और अभी थोड़ी हल्की हल्की सी बूंदें आ रही हैं फिर से और बिल्कुल बना हुआ है चारों ओर बादल छाए हुए हैं। तो आजकल बरसात में ऐसा होता ही है, कभी बारिश कभी धूप, फिर ये बदलता रहता है 5-5 मिनट के बाद। तो मैं अब वीडियो का यहीं पर एंड कर लेती हूँ। आपको वीडियो कैसी लगी लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।